लॉ ग्रेजुएट्स या फिर एडवोकेट्स, अगर उनके हाथ में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर साथ ही में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी अगर उनके हाथ में होती है, पोस्ट उनके हाथ में होती है, तो उनकी सोसाइटी में इमेज इतनी अच्छी होती है ना, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इन पोस्ट को पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको असिस्टेंट लीगल एडवाइजर साथ ही में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा, जो यूपीएससी की तरफ से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है कि इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर अभी अप्लाई नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में तो अप्लाई करोगे, तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर भी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए पोस्ट आती रहती है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस ना हो आपका। तो ज्यादा देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी ने अपनी एक वैकेंसी निकाल रखी है। यूपीएससी का जब आप पोर्टल खोलोगे तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरीके की वैकेंसी आ रखी है, लेकिन हमें नोट क्या करना है, हमारे जो काम की चीज होती है, तो यही दो पोस्ट अभी हमारे काम की जो आ रखी है, और साथ ही में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर वैकेंसी की दो है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी एक पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर का अगर आप वैकेंसी यानी कि फॉर्म भरना चाहते हो तो इसके लिए दो वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ अंडर रिजर्व, मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अदर अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं वो नहीं भर सकते, वो भी भर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी पर क्लिक करके ही फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के अंदर दो वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको अपॉइंट करा जाएगा। और अभी मैं पहले क्लियर कर दूं भाई, इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका यूपीएससी की पोस्ट है लेकिन इसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तभी। अब शॉर्टलिस्ट कैसे होगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा जो मैं बातें बताऊंगा। दो वैकेंसी है, इसके अंदर आपको पहले लॉ डिग्री होनी चाहिए, दूसरी बात इसके अंदर फाइनल ईयर का बंदा जो है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूं तो मैं एलिजिबल हूं, नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, आपको पूरी की पूरी लॉ डिग्री साथ ही में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके हाथ में होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई नोटिफिकेशन के अंदर, जब आप पढ़ोगे नोटिफिकेशन को, लिंक जो है पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसके अंदर ये फॉर्म देख रहे होंगे, जब नोटिफिकेशन, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी एडवोकेट, लॉ ग्रेजुएट हुआ या फिर एडवोकेट हुआ, उसके पास अच्छा खासा नॉलेज है, उसके अच्छा खासा बैकग्राउंड है, मतलब उसने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रखा है और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस 3 साल से कम है, तो उसके लिए एक रिलैक्सेशन भी यूपीएससी की तरफ से दिया जा सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब वो यूपीएससी को एक आपको एप्लीकेशन लिख के भेजनी पड़ेगी कि मैं जो है ये, मेरा नाम ये है, मेरे पे कम एक्सपीरियंस है, 3 साल तक का नहीं है, लेकिन मेरा जो एकेडमिक्स के तौर पे मेरा अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो अगर उनको लगता है कि हाँ इस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए तो आपको करा जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जाम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको अपॉइंट करा जाएगा। साथ ही में आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक तो क्रिमिनल केसेस के अंदर, आपका कोर्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस आपको डील करे होने चाहिए, साथ ही में फिस्कल लॉ का आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास लॉ डिग्री है लेकिन 3 साल का, जैसे बहुत लोग जो है अपने पेपर की तैयारी करते हैं, अपने एज एन एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं बार काउंसिल के अंदर, तो वो साथ ही में LLM भी करते हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन दिया गया है भाई आप मास्टर डिग्री लॉ, अगर आपके पास LLM है, मास्टर्स की डिग्री अगर लॉ के अंदर, तो साथ ही में आपका अगर 1 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस है, फॉर्म भर सकते हो। सिंपल बात, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया एकेडमिक्स के अंदर बात आ गई, बंदे पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है लेकिन उसको थ्योरी नॉलेज तो है ना, तो इसी वजह से यूपीएससी के अंदर असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के तौर पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। लास्ट डेट जो होगी वो लास्ट डेट आपको वीडियो के एंड में एक पूरा कैप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी, बंदा कौन सी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है और स्टार्ट कब से हुई थी वैकेंसीज को फॉर्म भरना, वैसे जनवरी के एंड तक इसकी लास्ट डेट होगी। मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही में नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड होगा। अब एक पोस्ट आपको कंप्लीट हो गई असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की, अब दूसरी पोस्ट के बारे में आती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिनॉन्ड पोस्ट मानी जाती है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आपको ये पोस्ट अगर मिल गई, अगर आप एलिजिबल हो, तो मैं 100% बोलूंगा फॉर्म जरूर भरना। सिर्फ एप्लीकेशन फीस है इसकी 25 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, और कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बंदा है वो उसको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई असिस्टेंट लीगल एडवाइजर का फॉर्म भरना चाहता है तो उसको तो 25 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही फॉर्म भरा जा सकता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर ना 10 पोस्ट हैं, लेकिन 10 पोस्ट क्लासीफाई कर रखी है, शेड्यूल कास्ट की 2 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स की 1 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 पोस्ट है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी वालों जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ 1 पोस्ट है,
अब मेन बात आ जाती है जो सबसे ज्यादा लोग टारगेट करते हैं अनरिजर्व, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए भी 3 पोस्ट है। टोटल करा जाए तो 10 वैकेंसी आती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बस मैं एक बात बोलूंगा कि मेरे मन में एक जो बात है कि अगर यूपीएससी ने असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की पोस्ट निकाली है तो उनको भी एक बारी सोचना चाहिए था असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी पोस्ट निकाले, क्योंकि उन जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो ड्रीम रखते हैं, क्योंकि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब जब भी उनके लॉ ग्रेजुएट यानी लॉ की डिग्री पूरी होती है तो एकदम फॉर्म भर पाए और अपने आप को प्रूव करने का उनको एक मौका मिल पाए। अब इसके अंदर क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो उनको 3 साल तक के लिए बार के अंदर एक्सपीरियंस के लिए अपना टाइम देना पड़ेगा, तो उनको जो अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रूव करने की टाइम आना चाहिए तो वो थोड़ा सा लेट आएगा। तो ये एक मेरी बात है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंदर जो एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा मांगा जाता है हर स्टेट में, पूरे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट की अगर कोई वैकेंसी आई होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए तो वहाँ 100% आपका 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगते ही मांगते हैं। जैसे ही इसमें भी मांगा हुआ है, लॉ डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, साथ ही में 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर, बहुत स्ट्रांग एक्सपीरियंस के अंदर माना जाता है। साथ ही में आपका काम क्या होगा, जैसे कि 7 साल का मैंने बता दिया, इसमें भी रिलैक्सेशन मिल सकता है एक्सपीरियंस के अंदर, लेकिन सिर्फ रिजर्व कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस के लिए रिलैक्सेशन देने के लिए बिल्कुल भी हकदार आप नहीं मिले नहीं होंगे मांगने के लिए, भले आप एप्लीकेशन भेजो या ना भेजो बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं करा जाएगा। 7 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा होना चाहिए क्रिमिनल केसेस के अंदर। एक रीजन बताऊं क्यों है, 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, आपको अपॉइंट पता है कहां पे होगा, बहुत ही बढ़िया पोस्ट आपको मिलेगी कहां पे, NIA के अंदर, मैंने लिखा हुआ भी है NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडिया की जो टॉप मोस्ट एजेंसी मानी जाती है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। NIA के अंदर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट करा जाएगा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बंदे को हम हायर कर रहे हैं तो वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, एक बार आपकी पोस्ट यहाँ पे लग गई तो आपका लाइफ टाइम के लिए काम हो जाएगा बहुत बढ़िया वाला, आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि NIA आप भी जानते हैं बहुत मूवीज के अंदर भी जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है वहां भी हम पीछे देखते हैं NIA लिखा होता है, तो NIA बहुत ऑफिशियल और बहुत अच्छी मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, तो उन्होंने जो बना रखी है, तो आप इस बात पे ध्यान रखिएगा। आप सेलेक्ट होने के बाद काम क्या करोगे, मेन काम मेन बात तो ये आती है एक मुद्दे की, आपको सारे के सारे लीगल मैटर्स जो होंगे NIA के उसके ऊपर डील करना पड़ेगा, साथ ही में आपको अपीयर भी होना पड़ेगा अपील्स के अंदर रिविजन के अंदर जो कोर्ट के अंदर डली होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, साथ ही में आपको अप्रोच करना पड़ेगा लीगल ओपिनियंस, अगर NIA डिपार्टमेंट का कोई आपको लीगल ओपिनियन मांगता है तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अच्छी खासी लीगल ओपिनियन दी। और साथ ही में एक बात ही आती है आपके मन में, बात आ रहा होगा यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता, अब NIA जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडक्ट के अंदर काम करती है, अब कोई कम एक्सपीरियंस वाले बंदे से लीगल ओपिनियन मानी जाए तो NIA के लिए एक थोड़ा सा दिक्कत आने वाली बात हो सकती है, इसीलिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती है, 7 ईयर्स तक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो इसीलिए थोड़ा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। साथ ही में आप ही हैंडल करना पड़ता है आपको अपील्स और रिवीजन जो ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम यहाँ पे भी काम होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल कम होता है, आपको ज़्यादातर रिसर्च वर्क का काम दिया जाता है इसके अंदर और केसेस को भी हैंडल करने का काम दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सारे डाउट्स अभी क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन अभी और भी थोड़े से डाउट्स आते हैं। अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा upsconline.nic.in, 25 रुपये देके जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं सिर्फ वही लोग पे करेंगे, बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर्म भरने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, मैं पहली बोल रहा हूँ आपका इंटरव्यू होगा, आपको जो है अपनी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया तरीके से उनको सेंड करनी है upsconline.nic.in, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको जज करा जाएगा कि भाई ये बंदा सेलेक्ट होने लायक है या नहीं है। अगर आपने अपने ऐसी जल्दबाजी के अंदर अपनी एप्लीकेशन भेज दी तो सॉरी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं सेलेक्ट होऊंगा ही होऊंगा, आप मन से बिल्कुल टाइम लगा के अपनी एप्लीकेशन को भेजिएगा, बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी फॉर्म को भरने के लिए। सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने एक लास्ट डेट की बात रही है तो लास्ट डेट आपकी वीडियो के एंड के अंदर आपको कैप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही मैं एक लाइन बोलकर मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, जो लोग अभी लॉ कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए अभी बहुत बढ़िया बढ़िया इंटर्नशिप्स आ रखी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, आउट ऑफ इंडिया के भी इंटर्नशिप्स आ रखी हैं, तो आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि मैं वीडियो प्रोवाइड करा के सारी की सारी डिटेल्स दूं या ना दूं, क्योंकि यूट्यूब के अंदर मैंने कहीं भी नहीं देखा है जो आपको लॉ की इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग अपडेट करता हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।